गाइस, दिस इज ईशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत तो करो हमारा। एंड आज के वीडियो में ना कोई भी मेरी शक्ल या बालों के बारे में कमेंट मत करना प्लीज। कोई कुछ नहीं बोलेगा ओके। तो हुआ ये था, मैं वीडियो के लिए रेडी हो रही थी, मैंने बहुत ही प्यारी सी ड्रेस पहनी थी, पता नहीं क्यों मैं ज्यादा फैल गई। आई वाज लाइक यार आज तो मैं कर्ल्स करके ही मानूंगी, एंड दिस इज द रिजल्ट गाइस। आई नो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हुए, बट कंसिडरिंग माई फर्स्ट अटेम्प्ट मुझे लगा कि इतने एफर्ट लगाए तो यार आप लोगों को दिखाना तो बनता है। एंड ड्रेसेस भी इतनी प्यारी होने वाली है ना आज की कि आपका ध्यान ना मेरी शक्ल पे नहीं जाएगा। आप ड्रेसेस को देख के बोलोगे ओ माय गॉड वाओ गॉर्जियस। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह, क्योंकि आज का हॉल होने वाला है अर्बानी ड्रेसेस हॉल गाइस। तो वैलेंटाइन वीक आ रहा है ना, अभी तो काफी पार्टी शादी का माहौल चल रहा है यार, तो आई वाज लाइक कि मिंगल लोग प्लान कर रहे होंगे कि यार कहाँ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना है, एंड सिंगल लोग देख रहे होंगे कि किसके साथ सेलिब्रेट करना है। तो आपकी स्पेशल ओकेशन के लिए मैं बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस लेके आई हूँ, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज पिक की है, आपको इसमें से एक ना एक ड्रेस पक्का पसंद आने वाली है। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एक पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ऑल, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस मैंने फर्स्ट ड्रेस ली है ब्यूटीफुल से पिंक कलर में, इसके लिए मैंने प्राइस पे किया है 1590 एंड साइज मैंने लिया है एस। तो फर्स्टली मिलेगी स्क्वायर नेक विथ इलास्टिकेटेड डिटेलिंग, सो दैट आप जनरली स्क्वायर नेक पहनते हो और अगर आपको थोड़ा भी ढीला हो रहा है ना तो यहाँ से शोल्डर खजकने लगते हैं, राइट? तो ये आपको वो कंफर्ट देगा इलास्टिक लगे हुए, उस वजह से कि आपके शोल्डर्स जिस जगह हैं उस जगह पे रहे, आपको ऐसे फालतू में फैशन टेप या वो सब लगा के अपने ड्रेस को एडजस्ट ना करना पड़े। तो ये तो हो गई फर्स्ट थिंग भाई। एंड देन फैब्रिक की बात करें तो लुक एट दिस यार, कितना स्ट्रेची है। स्लीव आपको ट्रांसपेरेंट मिल जाएगी नेट की डिटेलिंग के साथ, और फैब्रिक तो यार अर्बानी तो टॉप नॉच क्वालिटी ही डिलीवर करता है, फैब्रिक में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एंड देन आपको ऑल ओवर रोज डिटेलिंग देती है जो कि इस आउटफिट को और ज़्यादा सुंदर बना देता है यार, पहनने पे इतना ज़्यादा एलिगेंट लग रहा था। लेंथ बहुत ही परफेक्ट दे के रखी है, अगर आपको ज़्यादा ऐसे वेस्टर्न कपड़े शॉर्ट ड्रेसेस स्लिट वाले कपड़े पहनना पसंद नहीं है ना, दिस इज़ फॉर यू गाइस। आपको फुल स्लीव मिल रही है, प्रॉपर लेंथ मिल रही है, और क्या ही चाहिए, मतलब आप थ्रू आउट पार्टी बहुत आराम से इंजॉय कर पाओगे, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा ऐसे प्यारे से लगोगे यार, आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। जितना प्राइस मैंने पे किया है ना, मतलब पूरा पैसा वसूल है ये ड्रेस, सच बोल रही हूँ। हाँ, सो आई एम बैक अगेन विथ ब्लैक ड्रेस। यार ब्लैक इज अ कल्ट क्लासिक कलर है ना, आप इंडियन वेस्टर्न किसी में भी पहन लो, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, बस ब्लैक पहन लो, थोड़ा बहुत एक्सेसरी ऐड करो एंड डू आर गुड टू गो एज ऑलवेज। तो मैंने खरीदी है ये फर वाली ड्रेस, मतलब इसका नाम मैंने रखा है एनिमल। ये एनिमल के जैसे ही हिट ड्रेस है गाइज, क्योंकि बहुत ही प्यारी एट द सेम टाइम कंफर्टेबल ड्रेस है। इसके लिए मैंने प्राइस पे किया था 1553 रुपीज एंड साइज मैंने लिया है एस। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी स्ट्रैपी डिटेलिंग विद एडजस्टेबल स्ट्रैप, एंड बेस्ट थिंग इज कि आपको जो स्ट्रैप का कलर है ना पूरा एडजस्ट करने वाला, वो सेम देके रखा है। बैक साइड में जिपर देके रखा है सो दैट आप इजीली ड्रेस को पहन पाओ, वो भी इनविजिबल जिपर है, इजी लाइक विजिबल नहीं है, तो ड्रेस को और भी ज़्यादा सुंदर बना देता है। एंड अगर आपको स्ट्रैपी डिटेलिंग पहननी है और थोड़ा कंफर्टेबल सा कुछ चाहिए ना, तो आपको ये जो फर्स है ना बहुत अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल भी यहाँ से आपका स्किन शो वगैरह नहीं होता है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लगी। यहाँ पे वेस्ट पे आपको नेट की डिटेलिंग मिल जाएगी, ट्रांसपेरेंट है थोड़ा, बट बिल्कुल भी मुझे ऐसा लगा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा थ्रू सी थ्रू है या ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल भी वैसी वाइब नहीं आ रही थी मुझे। एंड नीचे के साइड पे भी आपको फर वाली डिटेलिंग दिखेगी, आप ट्राई ऑन में देखना आराम से। बैक साइड पे बहुत ही एलिगेंट सा स्लिट दे के रखा है जो कि ड्रेस को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रहा है। एंड इसका फैब्रिक ना थोड़ा स्ट्रेची टाइप का था, फैब्रिक मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये कॉटन टाइप का एंड थोड़ा सा स्ट्रेची एंड थिक फैब्रिक है, तो बहुत अच्छे से शेप अडाप्ट करता है। एंड आप देख ही लोगे ट्राई ऑन में, लाइक बहुत ही ज़्यादा ऐसे बॉम ऑप्शन है। इसमें कलर चॉइस आपको एक ही मिलेगी, बट आई होप अगर इसमें ऑफ वाइट भी होता ना, वो भी उतना ही ज़्यादा सुंदर लगता ब्रंच डे के लिए, बट ये नाइट पार्टी के लिए एकदम परफेक्ट है। तो फाइनली अब मैं आपको कुछ रेड में दिखाऊंगी, बहुत देर से बोल रही होंगे यार वैलेंटाइन किए जा रही है एंड बस काले पिंक ये सब कपड़े दिखा रही है, तो नाउ आई हैव समथिंग इन रेड कलर। सो एक्साइटेड,
excited. तो आपको कुछ थोड़ा सा हॉल्टर नेक टाइप का स्टाइल मिलेगा एंड आपको मिल जाएगी ये कुछ स्लीव, मतलब ये ना ओपन है तो आप अपने हिसाब से खेल सकते हो. बैक में थोड़ा सा लाइक नीचे तक है एंड देन आपको थोड़ा सा ओपन बैक मिलेगा जहाँ पे आप ये लेस को टाई कर सकते हो. आई थिंक मैं ट्राई ऑन में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी. तो ये एक चीज़ मैंने देखी है अरबानी की काफ़ी सारे आउटफिट्स में कि वो आपको खेलने देता है, लाइक आपको कुछ एक पार्ट छोड़ देते हैं वो, लाइक ये स्ट्रैप्स या फिर कुछ ड्रेस में लेस वगैरह कुछ इस टाइप का छोड़ देते कि आप खेलो अपने हिसाब से स्टाइल करो. तो वो मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लगती है, एकदम ऐसा लग रहा था कि हाँ आई एम द डिज़ाइनर. तो इसका लेस आप अपने हिसाब से टाइट लूज कर सकते हो. बैक पे आपको किस स्टाइल में उसको टाई करना है वो भी आपके ऊपर है. लेंथ वगैरह इसका अच्छा खासा देके रखा है एंड यार बहुत ही फ्लैटनिंग लग रही थी. इसमें ना वो कलर ऑप्शंस भी थे, ब्लैक, न्यूट एंड जो रेड कलर मैंने लिया है. ब्लैक तो यार चलो आप पहनते ही रहते हो बट ये रेड कलर में बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है यार ये आउटफिट, सच बोल रही हूँ, इसलिए मैंने रेड कलर इसी में उठाया है. प्राइस मैंने पे किया था इसका 1790 एंड साइज लिया था एक्सेस जो कि मुझे परफेक्टली फिट हुआ एंड दिस इज़ माय ट्रू साइज. तो बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है ये, अगर आपको खुद से कुछ स्टाइल करने का मन है तो यू कैन डेफिनेटली बाय दिस वन. तो नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही प्यारा सा गाउन है इन शैम्पेन कलर और ये कलर अपने आप में ही इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है. मतलब आप डिनर डेट पे जा रहे हो ना ये पहन के, मतलब आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं अपने लव्ड वन से. तो इसमें मिलेगी आपको हॉल्टर नेक डिटेलिंग एंड ट्रस्ट मी ये वाला नेकलाइन ना एक बार तो पहन के देखना, लाइक ड्रेस या टॉप इसका बहुत ही प्यारा वाइब आता है. बिल्कुल भी क्लीवेज रिवीलिंग नहीं लगता है, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगता है. आपको स्ट्रैप पे डिटेलिंग मिल जाएगी एंड अगेन आपको ये स्ट्रैप्स छोड़ दिए बैक साइड पे कि आप अपने हिसाब से टाई कर लो. एंड इसका बैक ना थोड़ा सा डीप है बट हाँ अच्छा लगता है, मुझे तो ट्राई ऑन करने में अच्छा लग रहा था, बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल नहीं लगा. एंड देन आपको ड्रेस पे स्लिट भी मिल जाएगा, सो दिस इज़ लिटिल मॉडर्न. अगर आप इस टाइप का ड्रेस पहनने में कम्फर्टेबल हो ना प्लस में ट्राई करके देखना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है. फैब्रिक क्वालिटी की बात करूँ ना तो इतना प्यारा वाला सेटिंग ना कभी मैंने छुआ ना कभी पहना, मतलब फैब्रिक की क्वालिटी यार, मतलब अगेन आई एम टेलिंग कि यार ये कहाँ से सोर्स करते होंगे क्योंकि इसके पहले भी मैंने ली है सेटिंग की चीज़ें ऐसे थोड़े चीप प्राइसेस में एंड खुद से भी डिज़ाइन किए. तो क्या होता है थोड़ा भी कपड़ा खींचता है ना वहाँ पे हल्का सा गैप सा पड़ जाता है, ये सेटिंग का थोड़ा सा इशू रहता है. बट दिस इज़ अमेजिंग, बहुत ही प्यारी वाइब है. कलर एंड जो भी डिटेलिंग ऐड की है ना बिल्कुल भी लाइक मुझे ऐसा लगा नहीं कि एक सेंटीमीटर भी इधर का उधर हुई है. बट एक चीज़ मुझसे ये हो गई है, आई थॉट कि यार ये बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल तो नहीं आने वाली कंसीडरिंग द फैब्रिक. तो मैंने ना एक साइज़ बड़ा ऑर्डर कर लिया, मुझे एक्सेस लगता है एस ले लिया है, मतलब अरबानिक पे मेरा एक्सेस साइज है. तो ये मुझे थोड़ा सा लूज हो रहा था बैक साइड पे, बस यही एक प्रॉब्लम लगा मुझे जो कि मेरी ही गलती है, अदरवाइज तो हर चीज़ एकदम परफेक्ट है. एंड इसी के साथ दिस इज इट गाइस फॉर टुडेज वीडियो. मेरा इतना ही बजट था भाई अरबानिक से ड्रेसेस खरीदने का, लाइक पांचवी ड्रेस भी मैं सोचते सोचते मैंने सोचा छोड़ो यार चार ही ऑप्शन दिखा सकती हूँ मैं फिलहाल के लिए, तो नहीं हम शुद्ध गरीब है. एंड आई थिंक मैंने बेस्ट चीज़ें दिखाई है आपको एंड प्राइस भी सब आपको बता दिए. प्रोडक्ट का जो भी लिंक वगैरह होगा सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर चेकआउट कर लेना, सारी डिटेलिंग आपको मिल जाएगी. स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे प्राइस एंड साइज वगैरह सब कुछ. तो या दिस इज इट एंड और भी वीडियोस आने वाले हैं वैलेंटाइन स्पेशल, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बिफोर गोइंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो एंड मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय.